इवनिंग। अरे यार, इस समय तो घर में बहुत बोरियत हो रही। कहीं ना जा पा रहे हैं, ना बाहर का कुछ खाना। मॉल बंद, थिएटर्स बंद, बच्चे भी सब घर पर। सब बहुत बोर हो रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में। तो सच में ये वायरस पता नहीं कब जाएगा। सब लोग भगवान से प्रे करो ये जल्दी जाए और सबकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल फिर से चलने लगे। और बाहर का खाना पीना तो बिल्कुल भी बंद है। इस समय तो हम लोग बिल्कुल ना बाहर का कुछ भी नहीं, एक चीज़ भी नहीं खा रहे हैं। तो मैं तो घर पर ही सब चीज़ बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कुछ स्नैक्स तैयार कर लूँ। अभी होली में मैंने वो बनाया था, बहुत ही टेस्टी बने थे और हेल्दी भी है। मैंने आटे के चकली बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप पहले उसका प्रिपरेशन देख लीजिए, ये फ्लैशबैक है, ये पहले देखिए। मैंने स्टील के डिब्बों में गेहूं का आटा भरकर ढक्कन को बंद कर दिया है। ढक्कन टाइट होने चाहिए, नहीं तो अंदर पानी चला जाएगा। अब एक कुकर में नीचे तली में थोड़ा पानी डालेंगे और स्टैंड रख करके दोनों डिब्बों को कुकर के अंदर रख देंगे। अगर आपका कुकर छोटा है तो एक ही डिब्बा रखेंगे, लेकिन ये कुकर बड़ा था इसलिए मैंने दो डिब्बे रखे हैं। आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसमें सीटी भी लगाएंगे, सीटी लगाना ना भूलें। अब गैस की आंच को फुल में कर देंगे। जब 4-5 सीटी आ जाए तब गैस को बंद कर देंगे। ऐसे कुकर में करने से बहुत ही ये भुरभुरा टाइप का हो जाता है, रवीला हो जाता है, जिससे हमारी चकली बहुत ही खुश्क बनती है। देखिए, आटा मैंने चाल लिया, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आटे को मैंने चाल, इसमें थोड़े से गुठलियां टाइप की पड़ जाती है, उसको आपको फोड़ करके आटे को चाल लेना है। देखिए, ये आटा बिल्कुल ऐसा छूने में ऐसा रबा रबा टाइप का लग रहा है, ऐसा लगे आटे की चलनी से चाल लिया है। अब इसमें मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी चकली बनती है। एक डिब्बे का आटा है ये, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए आप। और ये है नमक, इसमें थोड़ा सा सफेद तिल ऐड करेंगे। मोइन के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे। दो चम्मच ऑयल डालना है, सबको अच्छे से मिला लेंगे। कुछ इस तरह के मिलाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को नरम सान लेंगे। नरम आटा सान करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ढाक करके। फिर उसके बाद इसकी चकली बनाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छा नरम हो गया है। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा करके इसको चिकना कर लेंगे। बिल्कुल नरम आटा होना चाहिए, तभी चकली के साथ ऐसे बाहर निकल पाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। पीतल का है चकली का सांचा, जिसे नमकीन वगैरह निकालते हैं। स्टील का भी आता है, लेकिन मेरे पास तो इस तरह का है। और इसमें ये वाला लेना है सांचा, इसमें बीच में एक डिजाइन वाला होल रहे। अब इसमें क्या ऑयल लगा लेंगे पहले, जिससे हमारा आटा चिपके नहीं। तो इसमें सब में ऑयल लगा लेंगे, इसमें भी लगा लेंगे। इसके अंदर भी लगा लेंगे अच्छे से, चारों तरफ सब जगह लगा लेंगे अच्छे से लगा करके। इसको ऐसा फिट बैठा दिया अंदर, इसके अंदर भी इसमें लगा देंगे। सभी जगह लगा देंगे जिससे आसानी से चकली निकल सके। सब में ऑयलिंग कर देंगे इसको, आटे को ऐसे लंबा बना करके इसके अंदर ऐसे डाल देंगे।
भर दिया, इसको बंद कर देंगे। जैसे जलेबी बनाते हैं वैसे राउंड राउंड करेंगे। जैसे लास्ट में इसको ज्वाइंट कर देंगे, ये देखिए ऐसे। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं छोटी बड़ी जैसी। फिर इसको राउंड राउंड करेंगे। ये आटा बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही नरम है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितनी बड़ी आप बनाना चाहें। देखिए मैंने ऐसी बनाई। पहले ऐसे चकली रेडी कर लें, उसके बाद डीप फ्राई कर लें। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। फिर इसको स्लो कर लिया कढ़ाई को और इसमें डाल लेते हैं। टूटने न पाए इसलिए धीरे धीरे आराम से पलटेंगे, तो चकलियाँ टूट जाती हैं। जब एक तरफ सिक जाएंगे फिर नहीं टूटेंगे, तुरंत नहीं चला, तुरंत धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का हिलाते हैं, नहीं तो चकलियाँ टूट जाती हैं। ये चकलियाँ भी रेडी हो गई, इनको भी निकाल लेंगे। चकली रेडी हो गई। इसी तरीके से आप अगर ये चकली बनाएंगे तो आपको बहुत ही यम्मी लगने वाली है। ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने अभी होली में बनाया था, सबको बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।